दोस्तों आपका दोस्त असलम खान आपसे मुखातिब है और असलम किचन में आपका इस्तकबाल करता है। जैसा कि आपको मालूम है बहुत कड़ाके की सर्दी है, मौसम अपनी खुमारी पे है और हमारा शहर शिमला बनने की तैयारी में है। दोस्तों आज हम गोंद का हलवा बनाने जा रहे हैं। ये गोंद का हलवा हमारे वालिदैन जब हम यूनिवर्सिटी जाते थे इंजीनियरिंग कर रहे थे उस टाइम जब हम हॉस्टल छुट्टियों से वापस जाते थे तो बना के ये हलवा हमें दिया करते थे। आज ये हलवा कोशिश कर रहे हैं थोड़ा बनाने की, हो सकता है उस जैसा ना बने लेकिन एक कोशिश है। दोस्तों चाशनी रेडी है, ये देख सकते हैं। इससे पहले ये काजू बादाम ग्राइंड के करके पीस के हम लोगों ने रख दिए हैं। ये मखाने भी कुछ 50% मखाने पीस दिए गए हैं और ये किशमिश तरबूज की मीगी और चिरौंजी रखी हुई है। ये गोंद जो इसका मेन हिस्सा है इस गोंद को पीस कर हमने रख दिया है। ये कोकोनट है, ड्राई कोकोनट, और ये खोया है। चाशनी रेडी है, अब चाशनी में हम गोंद डाल रहे हैं। ये हलवा सर्दियों के दिनों में बनाया जाता है, बहुत अच्छा गोंद डाल दिया हमने। अब इसके बाद ये काजू बादाम हम लोगों ने पीस के रख दिए थे ये हलवे में। तो अभी मैं डाल रहा हूँ, इससे पहले काफ़ी मेहनत की है और सभी ग्राइंड करके रख लिया है, अच्छे से मिक्स करना है पहले। मिक्सिंग ही मेन है इसका, थोड़ा खोया, नॉर्मली खोया नहीं डालते हैं, हमने खोया थोड़ा डाला है जिससे मीठा, बहुत ज़्यादा मीठा ना बने। और ये देखिए ये अब ड्राई फ्रूट्स, ये कोकोनट, ये खोया, और ये साबुत मखाने, और अब इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है। ये अभी मिक्सिंग धीमी धीमी आंच है और धीमी धीमी आंच में इसे मिक्स किया जा रहा है। दोस्तों अगर आपको बनाना है तो खुद ही बनाना, अगर अपनी मैडम को बोलोगे तो हो सकता है मार भी हो जाए। अब लगभग लगभग तैयार हो चुका है। गोंद का हलवा
अब बनके तैयार है। बनकर